राहुल गांधी को बिग बॉस के घर जाना चाहिए, क्योंकि अब जब राहुल गांधी बिग बॉस के घर जाएंगे तभी वो 2024 के इलेक्शन जीत पाएंगे। अरे नहीं, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है राखी सावंत का। जी हाँ, हाल ही में राखी सावंत को मुंबई के अंधेरी में स्पॉट किया गया, जहाँ राखी काफी जॉली मूड में नजर आई और राखी ने काफी फनी अंदाज में मीडिया के सामने कह दिया कि राहुल गांधी को बिग बॉस के घर जाना चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ बिग बॉस का घर ही है जिसमें जाने के बाद राहुल गांधी 2024 के इलेक्शन जीत पाएंगे। कॉन्ट्रोवर्शियल कौन कौन है देश में? देश में मोदी जी, मुझे लगता है राहुल गांधी जी को कास्ट करना चाहिए। क्या वो क्यों दे रहा है, वो कौन दे रहा है, क्यों क्यों राहुल गांधी को क्यों कास्ट करना चाहिए? इसको देखो राहुल गांधी जी, ओए फिराज, राहुल गांधी जी को कास्ट करना चाहिए, क्यों क्यों? आ गए आ गए, खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के कंटेस्टेंट को हाल ही में मीडिया इंटरेक्शन के दौरान देखा गया, जहां शो के सारे कंटेस्टेंट मीडिया के इंटरेक्शन करते नजर आए। आपको बता दें कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 जल्द ही आने वाला है और शो को लेकर कंटेस्टेंट काफी एक्साइटेड है। इस साल कई जाने माने सेलिब्रिटीज खतरों के खिलाड़ी में एज अ कंटेस्टेंट नजर आने वाले हैं। उनमें शामिल है बॉलीवुड एक्ट्रेस डेजी शाह, अजय तनेजा, ऐश्वर्या शर्मा, डीनो जेम्स, शिव ठाकरे, नायरा बैनर्जी, रश्मित कौर और भी कई जाने माने सेलिब्रिटीज। और खतरों के खिलाड़ी सीजन 3 को देखने के लिए इसके दर्शक काफी एक्साइटेड हैं। हाल ही में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां दीपिका बेहद खूबसूरत लुक में नजर आई। दीपिका ने पर्पल कलर के डेनिम पैंट के साथ पर्पल जैकेट कैरी कर रखा था। इसके साथ ही टाइट लो हेयरडू में दीपिका बिल्कुल शीक लग रही थी। एक्ट्रेस सारा अली खान को मुंबई के बांद्रा में एक रेस्टोरेंट के बाहर निकलते स्पॉट किया गया, जहां सारा ने रेड कलर की इंडियन सूट पहन रखी थी। सूट के साथ सारा ने स्लिंग बैग भी कैरी कर रखा था और काली बिंदी और झुमके में सारा कमाल लग रही थी। इसके साथ ही रेस्टोरेंट के बाहर सारा के फैंस उनके साथ सेल्फी खिंचाते नजर आए और सारा का ये एथनिक लुक दर्शकों को काफी पसंद आया। इसके साथ ही एक्ट्रेस ईशा देवल को बांद्रा के पेट क्लिनिक के बाहर देखा गया, जहां ईशा अपने पेट की रूटीन चेकअप के लिए पहुंची थी। ईशा ने अपने हाथ में अपने डॉग को कैरी कर रखा था और अपने डॉग को लेकर क्लिनिक से बाहर निकलती ईशा नजर आई। इसके साथ ही एक्ट्रेस पूजा हेगड़े को भी मुंबई के बांद्रा में उनके जिम के बाहर स्पॉट किया गया, जहां पूजा जिम आउटफिट पहनी नजर आई। पूजा ने ग्रे टाइट्स के साथ व्हाइट क्रॉप टॉप पहन रखी थी। इसके साथ ही ब्राउन बैकपैक, स्लीपर्स और खुले बालों के साथ पूजा ने अपने जिम लुक को कम्प्लीट किया। एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां रश्मिका ब्लैक कलर की सूट पहने प्रिंटेड दुपट्टा ओढ़े नजर आई। रश्मिका ने अपने संजन लुक के साथ ब्लैक टोट बैग भी कैरी कर रखा था, जिसमें रश्मिका काफी खूबसूरत लग रही थी और रश्मिका का ये देसी लुक दर्शकों को काफी पसंद आया। साथ ही एक्स मिस वर्ल्ड मनस्वी ममगई को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां मनस्वी ब्लैक कलर की क्रॉप टॉप, डेनिम और ब्लैक एंड व्हाइट जैकेट पहने नजर आई। इसके साथ ही मनस्वी ने ब्लैक सनग्लासेस और व्हाइट एंड ब्राउन टोट बैग के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। साथ ही साथ एक्ट्रेस सई मंजरेकर को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर देखा गया, जहां सई ने लखनवी चिकनकारी कुर्ता और प्लाजो पहन रखा था। इसके साथ ही खुले बाल, गोल्डन ज्वेलरी और बेज टोट बैग के साथ सई ने अपने लुक को कंप्लीट किया। एक्ट्रेस संजना संघी को मुंबई के अंधेरी में उनके डबिंग के दौरान देखा गया, जहां संजना कैजुअल लुक में नजर आई। संजना ने क्रीम कलर की कार्गो पैंट के साथ ब्लैक क्रॉप टॉप कैरी कर रखा था, जिसे उन्होंने ब्लैक बूट्स और ब्लैक डेनिम जैकेट के साथ पेयर किया था। साथ ही हाफ नॉचेड बाल और काले चश्मे के साथ संजना ने अपने लुक को कंप्लीट किया। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया को भी मुंबई एयरपोर्ट पर जोधपुर जाने के दौरान देखा गया, जहां तमन्ना ऑल ब्लैक आउटफिट में नजर आई। तमन्ना ने ब्लैक कॉर्ड सेट के साथ ब्लैक जैकेट कैरी कर रखा था। इसके साथ ही गोल्डन लेयर्ड नेकलेस, व्हाइट स्नीकर और ब्लैक बैग के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर तमन्ना के एक फैन ने उनके लिए डांस किया, जिसके बाद तमन्ना भी अपने फैन के साथ डांस करती नजर आई।